जरीपटका पुलिस स्टेशन में फरियादी अमूल लक्ष्मण साखरे ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगे जाने का एक मामला दर्ज किया है। प्राथमिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जरीपटका पुलिस स्टेशन के हद में एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें अमूल लक्ष्मण साखरे ने रिपोर्ट दर्ज की है कि आरोपी ने उसे रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 7 से 8 लाख रुपए की मांग की थी। आपको बता दें कि जिनमें से 2 लाख रुपए देने के बावजूद आरोपी प्रशांत नन्ना मार्शेट्टी वार ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद अमोल को ठगे जाने का एहसास हुआ और उसने तुरंत इसकी शिकायत जरीपटका पुलिस स्टेशन में दर्ज की। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीत राहणारे अमोल लक्ष्मण साखरे यांनी काल दिनांक 11/5/2022 रोजी पुलिस स्टेशन येथे तक्रार दिलेली आहे की नोकरी रेल्वेमध्ये नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून त्यांना प्रशांत नन्ना मार्शेट्टीवार राहणार सुगतनगर यांनी 7 ते 8 लाख रुपयाची मागणी केली आणि त्यांच्याकडून 2 लाख रुपये घेतले आणि त्यांना नोकरी लागली नाही, त्यामुळे त्यांनी तशी तक्रार दिलेली आहे। त्यावरून गुन्हा दाखल करून प्रशांत नन्ना मार्शेट्टीवार यांना गुन्ह्यामध्ये काल 11/5/2022 रोजी अटक करण्यात आलेली आहे आणि गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। प्राथमिक चौकशीमध्ये आत्तापर्यंत 2 आरोपी निष्पन्न झालेले आहे आणि तपास चालू आहे। नागरिकांना याद्वारे सांगण्यात येते की नोकरीच्या आमिषाला कोणाच्या बळी पडून अशा प्रकारे कोणी जर फसवणुकीचा प्रयत्न करत असेल तर संबंधित पोलिसांशी संपर्क साधावा, अशा प्रकारे कधीही कुठं नोकरी लागत नाही। बहरहाल नागपुर शहर में भी आए दिन सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले उजागर हो रहे हैं। फिर भी लोगों को समय समय पर बताया जाता है कि ऐसे किसी भी प्रकार के सरकारी गैर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।